नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारतीय मानसून और उसकी उत्पत्ति को देखेंगे। इंडियन मानसून एंड इट्स ओरिजिन नाम का चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि भारत के मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, मानसून कहने का जनरल अर्थ लोग लगाते हैं वर्षा करने वाली हवा। लोग कहते हैं ना, देखते हैं कि मानसून आ रहा है, मानसून आ रहा है, मानसून का आगमन हो जाएगा, यानी कि वर्षा होगी, वर्षा का आगमन हो रहा है, जनरली अर्थ यही लगाते हैं। लेकिन मानसून सिर्फ वर्षा कराने वाली हवा को ही नहीं कहते हैं, बल्कि मानसून एक प्रकार की ऐसी हवा है जो साल में अपनी दिशाओं को दो बार बदल लेती है, एक साल में दो बार बदल लेती है, यानी छः महीने में एक बार बदल लेती है। कैसे बदलती है, क्या कारण है, इसके पीछे का पूरे कारण को तो अभी हम समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत की जो जलवायु है उसको जनरली हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, नहीं तो उसको कहते हैं उपोष्ण मानसूनी जलवायु, सब ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट। ये क्या होता है, देखिए भारत में मुख्यतः गर्मी का ही प्रकोप रहता है हमेशा। आप देखते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है भारत में, इसलिए भारत में 10 महीना गर्मी का ही सीजन रहता है। इसलिए भारत को कहते हैं, भारत एक प्रकार से सब ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट रखने वाला कंट्री है। और ऐसे भी भारत में आप देखेंगे कि उत्तर में हिमालय फैला हुआ है, पश्चिम में आप देखेंगे कि थार का मरुस्थल है, आप देखेंगे कि तीन तरफ से भारत जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है, हिंद महासागर है। ये सब चीज़ें मिलकर के भारत को एक विशिष्टता प्रदान करता है। यहाँ की जो जलवायु है ना, वह अत्यंत शीत नहीं हो पाती है शीतकाल में, क्योंकि हिमालय जो है इधर से आने वाली हवाओं को, जो साइबेरिया की तरफ से कोल्ड हवाएं होती है, उसको रोक देती है। इसलिए भारत की जलवायु एक विशेष प्रकार की जलवायु हो जाती है। तो भारत की जलवायु का सामान्यतः नाम है उपोष्ण मानसूनी जलवायु। अब इसका तो अर्थ आप समझ गए, अब आप मानसून के अर्थ को समझिए। देखिए, मानसून जो शब्द है यह अरबी भाषा के या मलायन भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। पहले लोग हवाओं को ही ऋतु के नाम से जानते थे, इसीलिए इन्होंने इस मानसून हवा को ऋतु की संज्ञा दी और ऋतु के नाम से जाना गया। इसका जनरल अर्थ क्या है, इसका जनरल अर्थ है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन हो जाना मानसून की मेन विशेषताएं है। मतलब आप देखेंगे कि साल के 6 महीना जो मानसून की जो हवाएं है वह समुद्र से स्थल की ओर चलती है, और फिर बाकी का 6 महीना स्थल से समुद्र की ओर चलती है, यानी कि समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर चलती रहती है। इसके पीछे का भी कारण होता है, क्योंकि समुद्र और स्थल एक साथ तप्त और गर्म नहीं होते हैं, बल्कि दोनों के तापमान में अंतर होता है। जनरली ग्रीष्म ऋतु में जो ये मानसूनी हवाएं है वह समुद्र से स्थल की ओर चलती है, तभी तो वर्षा होता है, समुद्र से आती है, नमी लेकर के आती है। और आप देखेंगे कि बाकी का 6 महीना शीत ऋतु में वह स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इस तरह से आप देखेंगे कि स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो वहाँ वर्षा नहीं हो पाता है, लेकिन जब इस रास्ते पर आती है, यहाँ पर जब वह थोड़ी बहुत नमी पा लेती है समुद्र के रास्ते से, तब जाके तमिलनाडु में वर्षा कर देती है। तो आप देखेंगे कि मानसून भी दो प्रकार का होता है, एक मानसून होता है समर मानसून, जिसको ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, एक होता है शीतकालीन मानसून, जिसको विंटर मानसून कहते हैं। समर मानसून को उत्तर दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं, समर मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं, क्योंकि यह दक्षिण और पश्चिम के दिशा से भारत की ओर बढ़ जाती है। और जो विंटर मानसून होता है उसको उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं, उत्तर है और इधर आपका पूरब है, इस साइड से इधर बढ़ती है, तो इसको बोलते हैं विंटर मानसून भी, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो मानसून का दो प्रकार समझ गए आप, अब तो मानसून का आपने अर्थ समझ लिया है और मानसून के प्रकार को आपने समझ लिया। अब आप समझिए कि मानसून पवने को किस कैटेगरी में रखते हैं। देखिए, पवनों को तीन कैटेगरी में रखते हैं, जितने भी पृथ्वी पे पवने हैं वह तीन कैटेगरी के हैं। एक है परमानेंट विंड, जो कंटिन्यू एक ही दिशा में कंटिन्यू बहती रहती है, जैसे आप देखेंगे व्यापारिक पवने। उसके बाद देखेंगे आप, यहाँ हम आपको बता देते हैं व्यापारिक पवने का ये क्षेत्र है 0 डिग्री से लेकर के आप देखेंगे कि 30 डिग्री के बीच वाला जो क्षेत्र है, उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में आप देखेंगे कि यहाँ व्यापारिक पवने चलती रहती है, या इसको पूर्वी पवने भी कह देते हैं। देखेंगे 35 डिग्री से लेकर और 60 डिग्री के बीच वाला क्षेत्र में, तो 60 और 65 डिग्री से लेकर के इधर बढ़ती रहती है, तो आप देखेंगे उसके बीच में, यानी कि 60 डिग्री से लेकर और 35 डिग्री के बीच वाले क्षेत्र में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में
वेस्टर्ली चलती है, पछुआ पवने चलती है। और आप देखेंगे कि ध्रुवीय पवने आप पोल से लेकर के आप देखेंगे कि 65 डिग्री के बीच वाला क्षेत्र में ध्रुवीय पवने चलती है, दोनों गोलार्धों में ये होता है। तो ये तो परमानेंट विंड हुआ। एक विंड होता है जो सीजन के आधार पर उत्पन्न होता है। सीजन कैसे उत्पन्न होता है? सीजन उत्पन्न होता है सूर्य के आभासी उत्तरायण या दक्षिणायन होने से। आपको पता ही है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री झुकी होते होते अपने ही अक्ष पे घूर्णन भी करती रहती है पश्चिम से पूरब। साथ ही साथ वह एक पिंड सूर्य के चारों तरफ भी घूर्णन करती रहती है। आप देखेंगे कि ये मान लेते हैं सूर्य है, तो इसके चारों तरफ भी पृथ्वी घूर्णन करती रहती है। इससे क्या होता है कि सूर्य आभासी रूप से उसका स्थानांतरण हो जाता है। वह साल में दो बार भूमध्य रेखा पे सीधा चमकेगा सूरज। तो सूर्य जब सीधा चमकता है तो उसको कहते हैं इक्विनोक्स। वो होता है मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में, जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें जो है वह बराबर मात्रा में पड़ती है, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। लेकिन आप जब जून का महीना देखेंगे, जून का महीना मतलब ग्रीष्म ऋतु, आप देखेंगे उस समय कि सूर्य जो है वह कर्क रेखा पे आ जाता है। कर्क रेखा के तो कर्क रेखा पे इसका जो है, इसका जो किरणें है वो एकदम सीधी पड़ती है, जिससे इस क्षेत्र में बहुत अधिक टेम्परेचर प्राप्त होता है। इंसुलेशन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो प्रेशर लो हो जाएगा, एयर प्रेशर लो हो जाएगा, हाई टेम्परेचर में लो प्रेशर हो जाएगा। और इस कारण से जो इस पृथ्वी पे एयर प्रेशर का बेल्ट है वह खिसक जाता है। उसके खिसकने के कारण जो है क्रियाएं बदल जाती है, ऋतुएं परिवर्तित हो जाएगी। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमती रहती और 23.5 डिग्री इसका झुकाव भी नहीं होता तो ऋतु में परिवर्तन भी नहीं होता। तो 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण ये सारी क्रियाएं हो जाती है। तो आप देखेंगे कि जून के महीने में सीजन कुछ और होगा, और दिसंबर के महीने में यहाँ के सूर्य धीरे 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 वह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते बढ़ते मकर रेखा की तरफ चली जाती है। तो आप देखेंगे कि इसी क्षेत्र में यहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ही कम इंसुलेशन प्राप्त होगा, तो लो टेम्परेचर हो जाएगा, जिसके कारण वायु दाब बढ़ जाती है। तो यहाँ से हवाएं आपको दक्षिण की तरफ चलने लगती है, खास करके दक्षिण और पश्चिम की तरफ चलने लगती है। तो ऐसे आप देखेंगे, ऐसे ऋतुएं भी परिवर्तित हो जाती है। तो ये सब तो आप समझ गए हैं। अब आपको हम बता देते हैं कि मानसून कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में तो पाई ही जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप कहने का मतलब है कि भारत के साथ साथ इधर पाकिस्तान भी है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर बांग्लादेश है। तो इन सबको मिला करके भारतीय उपमहाद्वीप बनता है, और इस उपमहाद्वीप में सबसे आदर्श रूप में मानसून पाया जाता है। बाकी दुनिया में एकदम आदर्श रूप में नहीं पाया जाता है। दक्षिण एशिया वाला खास करके जो क्षेत्र है वहाँ पे आदर्श रूप में मानसून पवने पाई जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो इंडिया है, आप देखेंगे ये दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है, जो थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है यहाँ, और साथ ही साथ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ भी पाया जाता है मानसून। उसका भी रूप एकदम आदर्श रहता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे जापान और इधर आप चीन देख रहे हैं, इस एरिया में भी मानसून पाया जाता है। पूर्वी एशिया का मानसून उसको कहते हैं। लेकिन पूर्वी एशिया का मानसून और दक्षिणी एशिया के मानसून में अंतर है। दक्षिण एशिया का मानसून ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा एक्टिव रहता है, और पूर्वी एशिया का मानसून शीतकाल में ज़्यादा एक्टिव होता है। दोनों में यही अंतर है। बाकी दुनिया में भी मानसून हवाएं पाई जाती है। जैसे आप देखेंगे कि अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र में भी मानसून हवाएं पाई जाती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अफ्रीका के मध्यवर्ती पूर्वी तटीय वाले क्षेत्र में भी वहाँ भी मानसून की हवाएँ पाई जाती है। आप अमेरिका में देखेंगे, मध्य अमेरिका में भी, और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है पूरा महाद्वीप, यहाँ पर भी, और दक्षिण अमेरिका का ये जो उत्तरी तटीय इलाका है यहाँ भी पाया जाता है। आप देखते हैं ना, यहाँ ब्राज़ील है, इधर वेनेजुएला और इक्वेडोर, इसके आसपास भी पाया जाता है। लेकिन वो आंशिक रूप से होता है और एकदम विकृत रूप में होता है। असली और आदर्श मानसून जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप पर ही पाया जाता है। तो चलिए हम इसकी उत्पत्ति को देखते हैं। अब मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, खास करके भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, उस पर विचार करते हैं। देखिए, इसमें तरह तरह के थ्योरी दिए गए हैं। मुख्यतः तीन प्रकार के थ्योरीज इसमें आते हैं, और यह विचारधारा उसको कहिए। एक है चिरसम्मत विचारधारा, जिसको कहते हैं क्लासिकल कंसेप्ट। ये क्लासिकल कंसेप्ट बहुत पुराना है, 1686 का ही है। एडमंड हैली नाम के विद्वान ने दिया था। तापीय सिद्धांत भी उसको कहते हैं, थर्मल कंसेप्ट।
इस पर चर्चा करते हैं। दूसरा है गत्यात्मक सिद्धांत, जो कि फ्लोन महोदय ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो वायु दाब की पेटी है वह खिसक जाती है सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के कारण। तो ये क्या होता है, इस पर विचार करते हैं। एक है जेट स्ट्रीम विचारधारा, जो कहता है कि जो मानसून है ना प्रभावित होता है, ऊपर जो जेट स्ट्रीम नाम की एक बहुत ही तेज गति से चलने वाली पवन होती है वह प्रभावित करता है। उसको देने वाले भारतीय ही विद्वान है, नाम है पी कोटेश्वरम और पी आर कृष्णन, 1952 में दिया था। और उसके बाद बहुत सारे रिसर्च हुए भारत के और रशिया के वैज्ञानिकों ने मिल करके, मेटेरोलॉजिस्टों और क्लाइमेटोलॉजिस्टों ने मिल करके हिंद महासागर में बहुत सारे एक्सपेडिशन किए। उसी का एक निष्कर्ष निकल करके आया था जिसको मोनेक्स एक्सपेडिशन कहते हैं, 1973 है, उस पर भी बात करते हैं। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो हैली साहब का विचार है, जो 1686 में दिया था, यह बहुत दिनों तक मान्य रही, 300 सालों के आसपास, इसलिए बहुत लंबे पीरियड तक लोग इसको मानते रहे। इसीलिए इसको बोलते हैं क्लासिकल कंसेप्ट, यह एक प्रकार का चिरसम्मत है। हालांकि इनकी बात बहुत हद तक सही है, लेकिन यह जटिलताओं को पूरी तरह सोल्व नहीं कर पाता है। हेली ने क्या कहा था, हेली ने बहुत सिंपल बात कही थी। हेली ने कहा था कि पवन कैसे चलती है, दो स्थानों के बीच में वायुदाब में अंतर होने के कारण चलती है। एक जगह जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इंसुलेशन की मात्रा ज़्यादा होगी, सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ेगी, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा, वहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी। और जहाँ स्थान खाली हो जाएगा, तो वैसे जगह से जहाँ टेम्परेचर कम है, जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा बना हुआ है, वहाँ से हवा चल पड़ेगी उस खाली स्थान को भरने के लिए, और उस स्थान को भरती चली जाएगी। इससे क्या होगा कि हवा जो एक निश्चित दिशा की ओर चल पड़ी, उसी को उसने मानसून कहा। कैसे कहा, भारत में कहा कि देखिए भारत में ये स्थिति कब उत्पन्न होती है। उन्होंने बताया कि एक ग्रीष्मकालीन मानसून, एक शीतकालीन मानसून, दो प्रकार के मानसून है। धीरे धीरे करके दिसंबर के महीना में वह मकर रेखा पे पहुंच जाती है, तो मकर रेखा के आसपास जब पहुंचती है तो यह क्रम उलट जाता है। जो हिंद महासागर हाई प्रेशर था और पैसिफिक ओशन हाई प्रेशर था, वहाँ अब लो प्रेशर बन जाएगा। और हाई प्रेशर कहाँ बन जाएगा, पेशावर के आसपास, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत कम रिकॉर्ड किया जा रहा है, तिरछी किरणें पड़ रही है सूरज का, इसलिए, और बैकाल झील के आसपास बहुत ठंड के कारण, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडा है, तो यहाँ के जो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, इसके कारण यहाँ से जो हवाएं है वो चलना शुरू कर देगी लो प्रेशर की ओर, यानी स्थल से हवाएं समुद्र की ओर चलना शुरू कर देगी। इसको कहा जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून या विंटर मानसून है, और इससे हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलेगी। ये जो हैले महोदय थे, इनका यही कहना था, इनका कहना था कि अगर इस पूरे पृथ्वी पे सिर्फ स्थल भाग ही होता तो यह कंडीशन ही पैदा नहीं होता। चूंकि इस पृथ्वी पे कहीं जल है कहीं स्थल है, इसी के कारण से दोनों के तपने में अंतर होता है, दोनों में डिफरेंशिएशन होता है टेम्परेचर का, और टेम्परेचर डिफरेंशिएशन के कारण ही मानसून पवनों की उत्पत्ति होती है। अगर पूरे पृथ्वी पे सिर्फ स्थल ही स्थल होता या सिर्फ महासागर ही महासागर होता तो यह क्रम उत्पन्न नहीं होता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस पृथ्वी पे अगर 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती और सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन नहीं होता साल में दो बार, एक जून के महीने में उत्तरायण और दिसंबर के महीने में दक्षिणायन, तो फिर ये मानसून पवने उत्पन्न ही नहीं होती। तो इन्होंने ऐसे ऐसे मानसून पवनों की उत्पत्ति का कारण बता दिया और कहा कि चूंकि जब समुद्र से स्थल की ओर पवने चलेगी लो प्रेशर को भरने के लिए, तो वह पर्याप्त मात्रा में नमी उठा लेगी इस जगह से, पर्याप्त मात्रा में नमी उठा लेगी इस जगह से। अब तो देखते हैं भारत में एक अरब सागर की शाखा चलने लगती है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा चलने लगती है, तो ये जो समुद्र की ओर से जो हवा चल रही है वह चूंकि नमी धारण करके चलेगी और वह स्थल पर जाएगी और वहाँ पे कोई पर्वत मिलेगा, उसके सहारे सहारे वो ऊपर उठ जाएगी और ऊपर उठ करके उसका पर्याप्त मात्रा में सेचुरेशन हो जाएगा, उसके बाद उसका कंडेंजेशन हो जाएगा और उसके बाद वर्षा हो जाएगी। यानी कि जब इधर से पवने, आर्द्र पवने किसी भी पर्वत से टकराएगी तो वह पवने सीधे ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठने से आपको पता है ना, 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। उन्होंने यही बात कहा, जब ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर घटेगा, सेचुरेशन की स्थिति आ जाएगी संतृप्तिकरण की, उसके बाद
उसमें संघनन की क्रिया शुरू हो जाएगी, कंडेंजेशन, और कंडेंजेशन के बाद उससे वर्षन होगा, प्रेसिपिटेशन ऊपर से होने लगेगा। प्रेसिपिटेशन किसी भी रूप में हो सकता है, खास करके जल के रूप में भी हो सकता है, ठोस के रूप में भी हो सकता है। तो ऊपर से नीचे वर्षा होने लगी, यही है मानसून पवने। तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों को समझा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भूमध्य रेखा के आसपास एक क्षेत्र बनता है, उसको बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो नाम था ITCZ। ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा भूमध्य रेखा के आसपास वाला एरिया में, जहाँ दो विपरीत पवने आकर के मिलती है, मतलब एक तरफ से आती है दक्षिण की ट्रेड और एक उत्तर की ट्रेड, ये दोनों ट्रेड आपस में जहाँ पे मिलती है, टकराती है, वहीं पे बनता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और वह इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जून के महीने में खिसक करके कर्क रेखा पे आ जाता है, सितंबर के महीने में और मार्च के महीने में ये भूमध्य रेखा पे होता है, लेकिन जून के महीने में ये कर्क रेखा पे आ जाता है। इसके कारण यहाँ से कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठने लग जाती है और यहाँ पे जो है लो प्रेशर बन जाता है, जिसके कारण जो है यहाँ हवा खींच के चली आती है। इसी को उन्होंने कहा कि यही है मानसून। देखिए, इन्होंने इस तरह से आसानी से इसको समझा दिया, लेकिन इसकी आलोचना भी हो गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि दक्षिण से जो हवा चलेगी भूमध्य रेखा से भी और दक्षिण से, यानी कि लगभग 20 डिग्री भूमध्य रेखा के साउथ में, 20 डिग्री साउथ से, और वह हवा जब भूमध्य रेखा पे आएगी तो निश्चित है कि वह उसकी दिशा चेंज हो जाएगा। पृथ्वी के कोरियोलिस बल का भी तो एक प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी जब घूमती है तो एक कोरियोलिस बल लगता है और उसका प्रभाव हवाओं पे पड़ता है और हवाओं की दिशाएँ चेंज हो जाती है, लेकिन उन्होंने इस पर विचार ही नहीं किया। तो उनका सिद्धांत जो है वह 100% मान्य नहीं है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट है। और यह बेसिक जो बातें उन्होंने की कि स्थल और समुद्र के डिफ्रेंशिएशन टेम्परेचर होता है और उसके कारण जो है मानसून की उत्पत्ति होती है, ये तो एक बेसिक बिल्कुल सही है, ये आप उसको सही कह सकते हैं, वह सिद्धांत 100% गलत नहीं है। साथ ही साथ उनका आलोचना इसलिए भी किया जाता है कि उन्होंने कहा कि हवाएं जब पर्वतों से टकरा के ऊपर उठती है तो जाकर ये कंडेंस्ड होती है, उसके बाद वर्षा होती है। तो भारत में ऐसा देखा गया है कि हवाएं सिर्फ पर्वतीय ही जो वर्षा होती है वो सिर्फ पर्वतीय ही नहीं होती है, बल्कि चक्रवातीय वर्षा भी होती है हमारे देश में, और कन्वेंशनल करंट से भी वर्षा होती है, संवहनीय वर्षाएं भी होती है, जिस पर उन्होंने बात ही नहीं की। साथ ही साथ उन्होंने ऊपरी वायुमंडल में चलने वाले ये जो जेट स्ट्रीम वगैरह है, एंटी ट्रेड विंड है, इस पर बात ही नहीं किया। कैसे बात करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, उस समय उसका खोज ही नहीं हुआ था, उस पर उन्होंने बात नहीं किया। उन्होंने वायु राशि के खिसकने की भी बातें नहीं की। तो इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने उस समय जितनी जानकारी उनको थी उन्होंने वो बातें की, लेकिन वैसे चीज़ों के बारे में उन्होंने बात ही नहीं किया जिसका खोज उस समय तक नहीं हुआ था, इसीलिए भी इनकी आलोचना होती है। चिरसम्मत सिद्धांत या क्लासिकल सिद्धांत को समझने के बाद अब आप गत्यात्मक सिद्धांत को समझिए, जिसको फ्लोन महोदय ने 1951 में दिया था। इसको डायनेमिक कंसेप्ट कहते हैं या एयर मास कंसेप्ट भी कहते हैं। इन्होंने कहा कि सिर्फ जल और थल के तापमान में अंतर होने के कारण मानसून की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे का मेन कारण है अस्थाई पवन और वायुदाब पेटी में मौसमी स्थानांतरण होना। ये इसके कारण है जो मानसून की उत्पत्ति होती है। इस पृथ्वी पे कुछ अस्थाई पवने चलती हैं, आपको बताए थे तीन प्रकार की है, और साथ ही साथ वायुदाब की पेटी के बारे में बताए थे कि ये सात वायुदाब की पेटी होती है पूरे पृथ्वी पर, जिसमें मौसम के अनुसार चेंज हो जाता है। ये पेटी शाश्वत नहीं है, हमेशा के लिए ऐसे नहीं रहती है, ये आदर्श दशा है मार्च का और सितंबर के महीने का, जिसको विषुव कहते हैं, लेकिन जून का जो महीना होता है जिसमें सूर्य का आभासी स्थानांतरण कर्क रेखा की तरफ हो जाता है, वह 23.5 डिग्री पे उसकी किरणें एकदम सीधी पड़ने लगती है, तो यह वायुदाब की सारी पेटी उत्तर की ओर खिसक जाता है। साथ ही दिसंबर का महीना होता है जब मकर रेखा पर सूर्य की आभासी स्थानांतरण हो जाता है सूर्य का, तो उसकी जो किरणें होती है वह मकर रेखा पर सीधी चमकने लगती है, तो ये सारे वायुदाब पेटी दक्षिण की ओर स्थानांतरण हो जाता है, स्थानांतरित हो जाती है। इसके कारण ही मानसून की उत्पत्ति होती है। तो इन्होंने क्या कहा इसको जरा एक बार देखिए,
इन्होंने कहा कि ये देखिए, ये एक वायुदाब की पेटी है, जिसको कहिएगा आपको उष्णकटिबंध निम्न वायुदाब की पेटी है, इसको कहेंगे लो प्रेशर बेल्ट है, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। साथ ही 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ में एक हाई प्रेशर बेल्ट है, इसको अश्वाक्षांश भी कहते हैं, यहाँ हवा ऊपर से नीचे उतरती है। और 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ में दोनों जगह लो प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि पृथ्वी बहुत तेजी से घूमने के कारण हवाओं को बाहर की ओर फेंक देती है, जिससे यहाँ लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है। और अब ध्रुवों की तरफ देखेंगे, 80 से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में देखेंगे, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, साथ ही साथ हवा ऊपर से नीचे उतरती है, जिससे वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बना रहता है। और यह सारे के सारे बेल्ट जो है, यह मौसम के अनुसार चेंज होता है, जिसके कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जून के महीने में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो उसकी किरणें भी सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाता है। हाई टेम्परेचर होने के कारण यहाँ से कन्वेक्शनल करंट उठने लगेगा ऊपर की ओर, और कन्वेक्शनल करंट जब उठेगा तो यहाँ लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, जिसका विकास जो है कभी कभी 23.5 डिग्री के और उत्तर में हो जाता है, लगभग 30 डिग्री के आसपास हो जाता है, इस तरह से 30 डिग्री के आसपास हो जाता है, इस तरह से वो स्थानांतरित हो जाता है। और ये जो है, ये लो प्रेशर वाला जो एरिया है, यहाँ तक जो खिसक गया, इसके कारण क्या होता है कि साउथ की पवने नॉर्थ की ओर चली जाती है। कैसे चली जाती है, देखिए यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, कन्वेक्शन करंट उठ रहा है, हाई टेम्परेचर है, और ITCZ भी खिसक करके इसी जगह पे आ गया है। ITCZ ये भी खिसक करके इसी 30 डिग्री के आसपास पहुँच गया है, जिसके कारण साउथ की जो ट्रेड विंड है, साउथ की ट्रेड विंड जो कि 15 से 20 डिग्री जो अक्षांश है साउथ में, वहाँ पे वह वहाँ से चलना शुरू करता है, वहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होने के कारण, टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर है, टेम्परेचर कम है यानी कि लो टेम्परेचर है, तो यह हाई प्रेशर बना हुआ है। यहीं से पवने उत्तर की ओर चलना शुरू करती है ट्रेड के रूप में, यह साउथ की ट्रेड है जो कि पूरब से चलना शुरू करती है, स्टर्ली ट्रेड है ये, और ये जब चलती ईस्टर्ली साउथ ट्रेड इसको कहेंगे, जब ये भूमध्य रेखा पे पहुंचती है तो यहाँ पे एक बल लगता है, उसमें कोरियोलिस बल जिसको कहते हैं। फ्लोन ने भी कहा था कि जब भूमध्य रेखा को पार करेगी पवने तो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगी, अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में तो बाईं ओर मुड़ ही जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ करके यही दक्षिण और पश्चिम मानसून बन करके भारत की ओर चलना शुरू करेगी, इसी को बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून, और यह आगे बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे वह वर्षा भी कराएगी, और आपको यहाँ पर्वतों से टकरा करके वहाँ पे सेचुरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर वर्षा होगा। इस तरह से उन्होंने मानसून की उत्पत्ति बताया। तो आप इसको समझे होंगे कि एयर प्रेशर बेल्ट के शिफ्टिंग के कारण ही मानसून पवनों की उत्पत्ति होती है। तो ये तो समर मानसून हमने अभी आपको बताया, ट्रॉपिकल मानसून, लेकिन विंटर मानसून भी तो होता है एक। तो उन्होंने बताया कि विंटर मानसून कैसे हुआ, कहा कि ये स्थिति फिर बदलेगी जब सूर्य जो है वह कर्क रेखा से चलना शुरू करेगी और सितंबर के महीने में भूमध्य रेखा पे आ जाएगी, उसके बाद मार्च के महीने में वो मकर रेखा पे चली जाएगी 23.5 डिग्री अक्षांश पे। तो इससे क्या होगा कि यह क्रम बदल जाएगा, इधर का जो आपका जो लो प्रेशर बेल्ट बन गया था कन्वेक्शन करंट और हाई टेम्परेचर वाला, वो सब खिसक करके कहाँ चला गया, वह 23.5 डिग्री साउथ में वह मकर रेखा पे चला गया, जिसके कारण इस जगह पे अब हाई प्रेशर बेल्ट बन चुका है। अब यहाँ पे उल्टा हो गया है, अब इधर से पवने जो चूँकि हाई प्रेशर बेल्ट है, इधर लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, तो इधर की पवने अब साउथ में चलना शुरू करेगी, यानी स्थल से समुद्र की ओर चलेगी, जिसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी मानसून की पवने, और वह चलती रहेगी। तो ऐसे जो है उन्होंने मानसून की उत्पत्ति बताया, उन्होंने दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में नहीं बताया, उन्होंने जेट स्ट्रीम की के बारे में नहीं बताया, जबकि जेट स्ट्रीम के बारे में बताना चाहिए, जेट स्ट्रीम बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तो जेट स्ट्रीम के बारे में नहीं बताया। और साथ ही साथ उन्होंने जैसे तिब्बत के पठार के बारे में उसकी क्या भूमिका है, या फिर हिमालय की क्या भूमिका है, उस पर भी उन्होंने विचार नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि
फ्लोन का विचार जो है वह है तो बहुत ही तर्कसंगत और बहुत ही सही माना जाएगा, लेकिन 100% सही ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी त्रुटियां रह गई। बाद में भारत के विद्वान थे कोटेश्वरम साहब और कृष्णन साहब, उन्होंने 1952 में एक जेट स्ट्रीम विचारधारा दिया। उन्होंने कहा कि जेट स्ट्रीम जो ऊपर अपर एयर जो होती है वह बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अब जेट स्ट्रीम क्या है, देखिए जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल के ऊपर कहिए, क्षोभ सीमा के नीचे और क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर उसी जगह पे 11 से 12 किलोमीटर ऊपर बहुत तेज़ गति से पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली पवन है जो मानसून को प्रभावित करती है। कैसे होता है इसके बारे में तो उसको आप समझिए। कोटेश्वर साहब ने कहा कि इसमें एक चीज़ तो होता ही है, वायुदाब पेटी जो खिसकता ही है, साथ ही साथ अस्थाई पवनों की पेटी भी खिसकती है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा ज़्यादा मेन कारण यह होता है कि जून के महीने में थार का रेगिस्तान इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि यहाँ से यहाँ हाई टेम्परेचर हो जाता है, कन्वेक्शन करेंट, और यहाँ से लो प्रेशर बन जाता है और ITCZ भी खिसक के यहाँ चलाता है। साथ ही साथ थार के मरुस्थल तो गर्म हुआ ही, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हिमालय भी गर्म हो जाता है। हिमालय क्या होता है कि हिमालय पे बहुत बर्फ़ गिरता है, और बर्फ़ गिरने के कारण जो है जब ऊपर से किरणें बर्फ पे पड़ती है तो वहाँ से सीधे रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाती है, उसको बोलते हैं एल्बिडो। एनर्जी को हिमालय सीधे वायुमंडल में छोड़ देता है, तो लगभग 80% एल्बिडो हो जाता है यहाँ हिमालय के पर्वत पे। तो ये हिमालय का एल्बिडो, और तिब्बत के पठार के बारे में उन्होंने बताया कि तिब्बत के पठार के बारे में इससे पहले कोई विचार नहीं कर रहा था, जबकि तिब्बत का पठार मानसून के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको कहा जाता है कि हीट इंजन की तरह काम करता है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जितना ज़्यादा गर्म होगा मानसून उतना ही अच्छा माना जाएगा। तिब्बत का पठार अगर गर्म नहीं हुआ, देर समय तक अगर बर्फ वहाँ गिरते रहा ठंडा होने के कारण, तो उस समय मानसून भी प्रभावित हो जाता है। इसीलिए तिब्बत के पठार को कहा जाता है कि यह एनर्जी देता है वायुमंडल में ऊपर, और जिसके कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। तो